से जैसे मैं लेट्स मूविंग फॉरवर्ड और अब मैं आपको उस शख्सियत से मिलवाती हूँ जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे हैं ऑल टुगेदर. एक ऐसा विजनरी पर्सन जिसने सोचा, जो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से निकलने के बाद में यहाँ तक आने तक एक कंपनी स्टैब्लिश करना, 6 साल इस कंपनी को देना और डेडिकेटली आप सबके लिए बराबर से काम करना. और आज ऐसा नहीं कि आप सब लोग काम करते हैं, आप उनको आज भी देखेंगे सेम एंथुजियाज्म, सेम नोट्स, सेम एनर्जी के साथ में वो सेम चीजें कर रहे हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर टेकिंग द मोमेंट टू इनवाइट दैट पर्सनालिटी ओवर हियर, द विजनरी पर्सन जिनकी थॉट कोई लिमिटेशन में नहीं है, जिनको जब बुलाते हैं, जब वो आते हैं, जब वो बोलते हैं, आई एम डेफिनेटली श्योर कि सब लोग सुनने के लिए क्रेव करते हैं इसके लिए. एंड वी आर प्राउडली गोना से दिस थिंग दिस टाइम. We have that dignitary जिन्होंने अपने life के successfully 6 years यहाँ पे हमारे साथ में Indonesia के साथ दिए हैं and many more is going to happen. Ladies and gentlemen, please give it a standing ovation and let's welcome none other than. May I request please louder, hoodie के साथ में, energy के साथ में, we gonna invite the founder and CEO of Indonesia. None other than Mr. Mohit Joshi, sir. Welcome everyone. खासियत है कि पूरा देश भी दिल्ली से चलता है और आपकी कंपनी का भी हेड ऑफिस जो है दिल्ली में है, यानी कि भारत सरकार भी दिल्ली से चलती है और इंडोनेशिया भी. तो ये सभी के लिए जो है एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सभी जो एमएलए मिनिस्टर्स हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से चुनकर आते हैं तो उनको भी दिल्ली रिपोर्टिंग करना है. और जो इंडोनेशिया में जो एम्बेसडर बन के आते हैं, जो मार्फिस बन के आते हैं, तो उनको भी दिल्ली आना होता है. तो पॉलिटिकली और बिजनेसमैन दोनों के लिए मतलब सेम है. तो बहुत जबरदस्त जो आज का जोश है आप सबके बीच में और कई जो हमारे अचीवर जब बोलते हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है और सबसे बड़ी सक्सेस यही है जब कोई आपकी कंपनी को, आपके विजन को और आपका जो माइंडसेट आज से 6 साल पहले था, जिस विजन के साथ मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया था, जब कोई आदमी आके बोलता है कि मैंने ये करके दिखाया तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया. आज अक्षय जी ने अपने बारे में बताया कि 2019 में अक्षय जी हमारे साथ एसोसिएट हुए और आज एक बहुत बड़े ब्रांड बनकर लोगों के बीच में हैं और काफी कुछ चीजें अचीव की हैं. ऐसी कई मार्केट्स हैं जिनका साथ मुझे स्टार्टिंग से मिला है, अभी एम्बेसडर बनने वाले हैं. सबसे मेरे पुराने साथी मारुति प्रसाद जी, जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, तो मेरे साथ पहले दिन से ही हैं और अभी फिलहाल केवल प्रसाद जी ही हैं जो मेरे साथ पहले दिन से हैं. 24 अगस्त 2018 को अगर मेरे साथ कोई था इन पूरे ग्रुप में तो वो प्रसाद जी थे. और जो हमारी पूरी कंपनी को एक बैकबोन की तरह सपोर्ट करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं. कभी मैं भी अगर डगमगा जाता हूं या कहीं, क्योंकि मेरी एज उस टाइम बहुत कम थी जब मैंने इंडोनेशिया को शुरू किया था, दैट टाइम आई वाज जस्ट 22 to 23 ईयर ओल्ड, तो बहुत कम एज थी, मेच्योरिटी नहीं थी, उतना मेच्योर नहीं था. तो उस टाइम में मुझे डायरेक्शन देने वाले, समझाने वाले और लोगों से इंट्रोड्यूस कराने वाले थे मिस्टर दीपक जोशी जी, जिन्होंने इस कंपनी को एक बैकबोन की तरह जो है सपोर्ट किया. हमेशा आप कोई भी दिक्कत आता है तो
फ्रंट पर रहते हैं, जैसे अभी अजय ने बताया कि जब वहां आए तो बोला कि अजय अगर हमारे सामने अगर कोई आपके साथ लड़ने आएगा तो हम भी मार खा लेंगे। तो मतलब इस तरीके का भी अगर जब मोटिवेशन मिलता था तो लगा चलो कोई बात नहीं यार, सिपाही भी आगे को दौड़ता है, चलो भाई कोई बात नहीं, जब लीडर ही ऐसा बोल रहा हो तो हिम्मत आती है। तो ऐसी हिम्मत मुझे दीपक सर से मिली और भी कई लोग हैं। जब हम काफिला दिल्ली से नागपुर की तरफ बढ़ा तो हमारे साथ अजय जी हैं, आज अंकित जी हैं जो आज इस ग्रुप का हिस्सा है, सुभाष जी यहाँ पे नहीं है लेकिन उनके साथ ही किरण जी हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, प्रतीक जी हैं, ऐसे पूरे उनकी टीम की सबके नाम लूंगा तो टाइम कम हो जाएगा। इन लोगों का साथ फिर सीधे हम दिल्ली से नागपुर पहुंच गए। उसके बाद प्रियंका जी की भी एंट्री होती है 2018 में शायद, 2018 यस। तो कई लोग हैं जो पुराने हैं। उसके बाद तुरंत पहुंचते हैं रोहित जी जो आज एम्बेसडर है हमारे बीच में, इंडोनेशिया का एक नया नाम पूरे हिंदुस्तान में लोगों को सुनने को मिला और एक नई पहचान हिंदुस्तान में इंडोनेशिया को मिली। ये सभी लोग उन दिनों से हमारे साथ काम कर रहे हैं जब हम इंडोनेशिया को लिख रहे थे, केवल एक नाम था INTERNCIA, जब पहचान मिली है तो ये लोग हैं जो हमारे साथ उस टाइम से हैं। बाद में 2019 में हमारे बीच अक्षय जी ने अपनी स्टोरी बताई, ऐसे काफिला बढ़ता रहा और फिर हम लोग पूरे हिंदुस्तान पहुंच गए। तो आज जो हम यहाँ पे इंटरनेशनल अचीवर्स कोलैबोरेशन 2024 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हम सब की मेहनत तो है ही लेकिन साथ है कि जो लोग स्टार्टिंग से ही मेहनत कर रहे हैं तो इनको मैं कभी नहीं भूल सकता। और इसीलिए आज भी हम लोग जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो ये इवेंट कर रहे हैं, जो भी हम सबमिट करते हैं, आप सोचते हो अभी अजय ने बोला कि हम देखते हैं कि एमडी सर कोई दौड़ लगा रहे हैं, जा रहे हैं या आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आज ही मिल रहे हैं लोगों से, या ऐसा सिंपलिसिटी देखने को मिलता है, एक साधारण सी बात है नॉर्मल, ऐसा नहीं। क्योंकि जो लोग एम्बेसडर बन चुके हैं उनको बनाना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन जो नहीं बने हैं वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है, आप लोग भी तो मेरी जिम्मेदारी हो, आप भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जब तक हम सभी को एम्पावर न कर पाए, जब तक जिन लोगों के साथ हमने कमिटमेंट किया आगे बढ़ाने का, जब तक उनको उनके सपनों को साकार न करा पाए तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो ऐसा नहीं कि बन गए तो मैं लोगों से नहीं मिलता हूं। कई बार ऐसा होता है, जब अक्षय जी भी उन लोगों से, कई बार ऐसा होता है, अभी मेरे साथ सुगत से हो सकता है कि मेरा एक ज्यादा टाइम मीटिंग हो रहा होगा, अम्बेसर का कम हो रहा होगा। अभी मैं सुगत के साथ पुणे में था, अक्षय जी आज मिल रहे हैं, मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ। तो कई मार्क्यूज ऐसे हैं जो मुझसे ज्यादा मिलते हैं, कई बार ऐसा होता है उनके अम्बेसर नहीं मिल पाते उनसे, उससे पहले कई लोग ऐसे जो थाईलैंड टूर में मिले होंगे। तो इस टाइम जो हमारा विजन है काम करने का, अभी आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा एक वीडियो हमने बनाया था तो थोड़ा सा प्ले करें, थोड़ा बात कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ।
यू। थोड़ा सा हमारी जर्नी को एक हमारे जो वीडियो एडिटिंग में दिन रात मेहनत करते हैं रुस्तम जी, रुस्तम जी ने थीम बनाया पूरा हमारा, चौदह का भी होना चाहिए। आपके सोशल मीडिया हम लोग पूरा ऑपरेट करते हैं और देखते हैं, और यहाँ पे हमारे कस्टमर सपोर्ट पे जो आपको हेल्प करते हैं वर्तिका जी, हमेशा आपको कोऑर्डिनेट करते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, और जो वेबसाइट का डिजाइनिंग देखते हो, जो प्रोडक्ट का जो भी आप कुछ देखते हो, वहाँ पे वर्तिका जी हैं, वो बैठी हुई है। मनोज पांडे जी हैं जो इंटरनेशनल ओवरसीज को लीड कर रहे हैं रशिया के अंदर, जो रशिया में पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, रूस में रहते हैं, और सूरज भाई हैं हमारे जो पूरा मेरा सोशल मीडिया से लेके पर्सनल अकाउंट, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टेक्टिंग सब कुछ वो करते हैं, एज ए पर्सनल असिस्टेंट ना मान लो या छोटा भाई, तो पूरा जो यही देखते हैं। तो टीम के लोग सारे साथ आए हैं, तो ऐसे कई और भी लोग हैं जो नहीं पहुंच पाए हैं, और आई होप कि नेक्स्ट टाइम वो होंगे। तो हम बात करते हैं इंडोनेशिया इंडिया को, जब हमने शुरू किया था 2018 में, उस टाइम हमारा केवल और केवल एक ही माइंडसेट था कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करेंगे, लेकिन हमने देखा कि कई लोग जो है और अपॉर्चुनिटीज की तलाश में है, कई और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम लोग एड ऑन करें। फिर हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर में कई बार फ्लाइटों के प्राइस ऐसे हो जाते हैं कि लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, लोग फ्लाइट को, ऐसा मोदी जी बोलते थे ना कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। तो ऐसे कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी कई मतलब स्कीम निकली, कई पुराने से वीडियोज वायरल होते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हमने स्टार्टिंग में भी और अभी भी, आज भी हमारे पास फ्लाइट की टिकट जो है 200 रुपए से शुरू है, फ्लाइट की टिकट 200 रुपए में। कई कई स्टेशन ऐसे जहां पर फ्लाइट की टिकट 200, लाइव में अगर आपको दिखा तो कंप्यूटर चल नहीं पाएगा, अदरवाइज मैं आपको 200 रुपए की टिकट दिखा सकता फ्लाइट का, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कई ऐसे रूट है, दिल्ली जयपुर को हमने 1200-1300 रुपए कई मार्केट में ट्रेवल किया, कभी यहाँ तो 1200-1500 रुपए ट्रेवल करके आया दिल्ली जयपुर, कई बार ऐसी बुकिंग हुई। अच्छा हाँ, आप राहुल, कई लोग करते हैं ना 1200-1500 रुपए फ्लाइट की टिकट हो जाती है। तो ये था कि हर इंसान जो है फ्लाइट का ट्रेवल कर पाए, हर एक इंसान तक वो बात पहुंच पाए, और लोगों के लिए आसान बना दिया जाए जहाज का। इसलिए हम इंटरनेशनल ट्रिप को लेके आए, साथ में लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आए जो बिजनेस से दूर जा रहे थे, जो डायरेक्ट सेलिंग से दूर जा रहे थे, ताकि उनको एक नई अपॉर्चुनिटी हम दें, ताकि वो बस की बुकिंग करना, फ्लाइट की बुकिंग करना, ट्रेन की बुकिंग करना, होटल की बुकिंग करना, वीजा के लिए अप्लाई करना या ट्रेन की बुकिंग करना, ऐसे मल्टीपल चीजों को लेकर हम आए हैं। इसी ये पर्पज है इस बिजनेस को अटेंड करने का। सुनने में आता कि बाहर के लोग, कुछ लोग मिसगाइड करते हैं कि भैया आपकी कंपनी तो आप टूर एंड ट्रेवल्स में बिजनेस करने लगे। अरे भैया, इंटरनेशनल इंडिया ने पिछले साल का 2022 में अगर हमारे पास 2000 प्रोडक्ट थे, तो 2024 में हमारे पास 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट थे। 2022 में इंटरनेशनल के थाईलैंड टूर में जाने वाले लोग 50 थे, 80 थे, तो आज 200 लोग करीबन थाईलैंड टूर में जा चुके हैं। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज तो पहले अगर 7-8 दिन में डिलीवरी होती थी, तो आज 5 दिन में डिलीवरी हो रही है। अमेजोन के साथ हमने जो है टाइप किया, अमेजोन आपको डिलीवरी करने आ रहा है, हर दिन हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपग्रेड कर रहे हैं। तो जवाब होता है जब आप लोगों के पास उस चीज का आंसर होगा, तब आप दे पाएंगे। तो इंटरनेशनल इंडिया हमारी मदर कंपनी है, स्टार्ट हमने यहां से किया हुआ है। तो ये ग्रुप को प्रमोट करने के लिए हम इसके साथी लेके आ रहे हैं, इसके साथी और लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो मेरा जो सबसे बड़ा विजन है, वो internationalindia.com को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का। तो और साथ में आपकी कंपनी की प्रोफाइल को इंटरनेशनल का एक ग्रुप बनाने का है, इसलिए हम इंटरनेशनल ट्रिप को लेके आए, ताकि आज जब आप लोग के दोस्त बोले ये क्या काम करता है, आपने बोला जी मैं मेरी कंपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मेरे पास किड्स के प्रोडक्ट है, वो कहेगा भैया मेरे को ना पुणे से दिल्ली जाना था। तो कई लोग होंगे जो फ्लाइट इंटरनेशनल से करके आए होंगे, कई लोग जो मैं भारत से करके आए होंगे, तो कई बार आप लोगों को रेफर कर पाओगे कि भैया हमारी भी ट्रेवल कंपनी यहाँ पे, हम आपको इतना डिस्काउंट में प्राइस दे सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होगा, तो आपके लिए हम इतने ऑप्शन लाने वाले हैं कि आपको किसी भी सिंगल प्रोडक्ट के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे कई चीजों को हम लेके आए हैं, इंटरनेशनल ओवरसीज को लाने का कारण, इंटरनेशनल को लोग हिंदुस्तान में जानते थे,
इंडोनेशिया ओवरसीज जब हमने शुरू किया हमने हम और भी कुछ नाम रख सकते थे अगर हमारा माइंडसेट कुछ और होता तो। कई लोग बताते हैं, अभी अक्षय जी बताते सर जब कंपनी अपग्रेड करते जा रही तो भाई लोग देखो वो हमारे विद्रोही हैं, हमारे विरोधी हैं। कभी भी राहुल गांधी ये नहीं बोलेंगे कि मोदी जी ने अच्छा काम किया, क्योंकि वो एक अगर वो अच्छा कह देंगे तो भैया वोट जनता किसको देगी। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के बहुत प्रभावी जो है प्रधानमंत्री है और सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री है, क्या होगा? तू क्या कर रहा है? मोदी को देते हैं वोट, बोलना पड़ेगा कि मोदी ने देश को डुबा दिया, बर्बाद कर दिया। तब लोग अच्छा बचाने के राहुल गांधी जी अच्छा। तो ये एक विरोधी का काम होता है। जो हमारे कंपटीटर हैं वो है ही नहीं कंपटीटर, लेकिन कुछ नए नए लोग आते हैं, नए नए बच्चों को मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं, फिर लोग उस चीज का आंसर मुझसे पूछते हैं, अरे भाई मैं तो इतने बड़े मैंसर के साथ काम करने जा रहा हूं तो मैं उसका क्या आंसर दूंगा। तो इसका आंसर भी अब आपके पास होना चाहिए, हर चीज का आंसर आपके पास होना चाहिए। इंटरनेशनल चीज से कोई इम्पैक्ट जो है यहां नहीं पड़ने वाला, बल्कि आपकी कंपनी की पहचान रशिया के अंदर में भी। इंटरनेशनल जब आप सर्च करते तो रशिया के भी फोटो जाना शुरू हो जाते हैं, internationalovercs.com वहां का एड्रेस देखने को मिलता है, आने वाले वहां के लोग, वहां के एम्प्लॉय देखने को मिलेंगे, वहां के लोग अभी आप देख रहे थे मेरे साथ। हो सकता है कल के दिन हमें लगता है कि हमारे अभ्यास अच्छा काम कर रहे हैं, चलो भैया रशिया का भी बिजनेस आप एक, सब लोग अच्छा बोलते हैं ना, अजय जी अच्छा बोलते हैं, अक्षय जी अच्छा बोलते हैं, कल के दिन हमें लगता नहीं भैया रशिया को भी इनको भेज दो। अभी पांडे जी बोले थे कि दीपक सर को भी रशिया भेज दो, अब रशिया देखेंगे जो पांडे जी वही बोल रहे थे इस बात को, ठीक है। तो जो भी मौके मिलने वाले इस ग्रुप के अंदर में वो सब आप लोगों को मिलने वाले, जो भी बेनिफिट होने वाला है वो आप लोगों का होने वाला है। ऐसा नहीं कि कोई और आदमी आके यहां से बेनिफिट उठा रहा है। अगर इससे ग्रोथ हुई है, कंपनी आगे गई, प्रॉफिट किसका है? कंपनी का प्रॉफिट होगा तो किसका प्रॉफिट होना है? आप ही का तो होगा। आज शुरू नहीं हुआ था इतना हो रहा, जब कंपनी के पास बहुत पैसा होगा तो कंपनी किसके ऊपर लगाएगी पैसा? बिजनेस के ऊपर लगाएगी। अब बिजनेस पर लगाएगी तो किसके लिए ऊपर लगाएगी? कौन है करने वाले? तो कंपनी का आगे बढ़ने से, किसी ग्रुप के आगे बढ़ने से वहां के वो कंपनी सिक्योर होती है। आज होंगे कई मार्क्यूज जो पूरी ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, कई अम्बेसडर होंगे जो कई ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, हो सकता है कि उनका यहाँ पे बिजनेस फ्लक्चुएशन आ रहा हो, कभी जा रहा हो, कभी कम, कभी ज्यादा कम। मुझे लगा कि मैं ईमानदार आदमी है, जा भाई तू रशिया संभाल पांडे जी के साथ, तू वहां देख तेरे से यहाँ नहीं हो रहा, तू टैक्स नहीं कर रहा, तू वहां जॉब कर ले, ऐसा भी अपॉर्चुनिटी है। तो आज मैं आप सबको कमिटमेंट कर रहा हूँ, जितने भी मार्क्यूज हैं अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते में चल गए, अगर आप मैं जो डायरेक्शन आपको दे रहा हूं अगर वो आपने फॉलो कर ली, उस डायरेक्शन पर आप चल गए, तो आज के बाद आपको जिंदगी भर इंटरनेशनल को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप भी अगर यहां से नहीं भी बढ़ेगा तब भी मेरी जिम्मेदारी है, आपका घर परिवार आपका मीटर चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपका इनकम बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप अपने आप का दोस्त कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, कोई मार्केट में परेशान है, एक बार मिला बिजनेस में निकल, दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है। हम नहीं उधर लोगों के लिए ऑप्शन को लेके आए जो नहीं कर पा रहे, जो नहीं कर पा रहे उनके लिए ऑप्शन लेके आए, भैया यहाँ नहीं कर पा रहे तो इधर कर ले, इतने ले आए कुछ नहीं कर, चाहे अभी बना लेता चल भाई स्टोर खोल ले, अरे भाई कुछ नहीं कर रहा था पेंट तो बेच लेगा, पेंट यार उसको चार पांच नंबर पकड़, पेंटर पकड़, उसको पेंट ही बेच, कुछ तो कर ले, रिटेल कपड़ों का ही दुकान पर बैठ जा भाई। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज के लिए लेके आने वाले ताकि वो जिंदगी भर जो है इंडोनेशिया के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा रहे। आज भी कई कंपनी के लोग हैं, आज भी कई ऐसे लोग हैं, कई अदर कंपनीज में जो लोग इंटरनेशनल ट्रिप पे आके चुपचाप फ्लाइट में जाते जाते उनको पता चलता है कि इंटरनेशनल हमें तो सामने को डाटा आ जाता है कहाँ का है, कौन सी कंपनी से आया है, इसके बाद हम एक लीगल फॉर्म बनाने जा रहे हैं, इसके बाद हम एक अकाउंटेंट जो है सी फॉर्म बनाने जा रहे हैं जहां पे आपका अकाउंट्स में टीडीएस भरने में सब कुछ मदद की जाएगी इंटरनेशनल के लोगों की। तो ऐसे मल्टीपल सर्विसेज को लेके आ रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस में उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके लिए बहुत बड़ा एक कंपनी का प्रोफाइल बनने जा रहा है जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये मान के चलो 2025 के अंदर में हमारे आसपास भी कोई इंसान नहीं होगा हमारी कंपनी जरूर है।
कोई भी कंपनी नहीं होगी और ना ऐसे लोग समझ आपको कंपेयर करते हैं। कई लोग आते हैं जो दो दिन में बहुत आगे बढ़ाने का जो ऑफर देके जाएंगे, कोई गलत बोल के जाएगा, कोई गुमराह करके जाएगा, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान, एक ईमानदार इंसान और एक जो चाहता है जिसके अंदर में वो लीडरशिप है, एक लंबे विजन के साथ काम करना चाहता है, एक लॉन्ग टर्म के साथ काम करना चाहता है, तो फिर वो कहीं जा नहीं सकता है। अभी अजय ने आप सबको बताया कि अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, हमें अपने ब्रांच ऑफिस को अपग्रेड करना है। आज जितने भी मार्केट हैं, कई लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आज अक्षय जी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी, एक टाइम ऐसा भी था जब अक्षय जी के सामने में बोलता था कि अक्षय जी वो अच्छा कमा रहे हैं, आपको अच्छा करने के लिए। आज अक्षय जी अपने आप को अपग्रेड भी कर पाए क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धीरे धीरे करके अपने उसको कम करके जा रहे हैं। कई ऐसे मार्केट हैं जो अपने ब्रांड वैल्यू को, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, समय के साथ पीछे को जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज इन दोनों का हाथ में जितने अम्बेसडर का नाम ले रहा हूँ केवल वही आगे जा पाएंगे। आने वाले टाइम पे जब 2025 में जाएंगे, हो सकता है वो लोग अम्बेसडर कार्तिक का इनकम 10 लाख रुपया है, अम्बेसडर अजय का इतना, अजय अम्बेसडर किरण का इतना, अम्बेसडर सुभाष, जितने भी लोग हमारे अम्बेसडर बनने वाले हैं। तो आने वाले टाइम पे कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन वो बढ़ेगा जो अपने आप को अपग्रेड करेगा, जो अपने लोगों को अपग्रेड करेगा, जो अपनी टीम को आगे बढ़ाएगा, तो उनके लिए काम करेगा। जो एक अपनी जेब भरने के लिए काम करेगा वो नहीं कर पाएगा, वो यहाँ से जाएगा, उसको वो नहीं भेजेगा, हम भेजेंगे उसको हम भेजेंगे जो अगर टीम के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि हमारा विजन है कि हर एक इंसान, आज जैसा अक्षय ने बोला कि मेरे सपने फुलफिल हुए, मैं ये नहीं चाहता था कभी कि अक्षय को यहाँ जो 4 साल उन्होंने वहां दिए, वो 4 साल यहाँ पे भी आंसू बहाते हुए जाए। मैं चाहता था कि 4 साल ये कर पाए जो कभी सोच भी नहीं पाए वहां, वो यहाँ पे हम एक साल कर देते। और आज अक्षय ने बोला कि मैं पिछले 3-4 साल में 2 करोड़ कमा के जो है एक बड़ा अचीवर बन के यहाँ पे हूँ, तो ये सबसे बड़ी सक्सेस होती है। अजय ने बोला 6 साल कि मैंने दे दिया, आज मैं कमिटमेंट इस स्टेज से कर रहा हूं। अगर अजय ने मेरी बात में हाँ में हाँ मिला दिया और मेरी बात मान ली, मैं आपको पूरे कमिटमेंट के साथ कर रहा हूं, अजय ने 1 करोड़ बोला ना, तो इस साल के फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए का इनकम होगा अजय का, ये मैं नहीं होगा मैं दूंगा 1 करोड़। एनर्जी है, वो टैलेंट है, मुझे लगता है कि ये कर सकते हैं, उससे ज्यादा कर सकते हैं, इतना मैं बोल रहा हूँ इससे ज्यादा है, क्योंकि मैंने देखा कि अक्षय ने इससे कम वॉल्यूम में इतना ज्यादा करके दिखाया कि हमारे साथ लोग हैं, तो उनसे ज्यादा करने का वॉल्यूम है, उनसे बड़ा टीम भी है, अच्छा अनुभव है। आज तक डायरेक्शन नहीं थी, आज तक बताने वाले लोग नहीं थे, अब हम लोग साथ में हैं, मिलकर जो है एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे और एक नया इतिहास अगले 1 साल में लिखेंगे जो 5 साल में लिखा। पूरे जितने भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुणे, कर्नाटक से अभी आए हैं आप लोग, थोड़ा सा जो अभी मैं फिर से, आज मीटिंग है कितनी तारीख को, 20 तारीख को, आज क्या है इंटरनेशनल अचीवर्स फाउंडेशन 2024, और नेक्स्ट मीटिंग होने जा रही है 4 जून 2024 को गोवा में। तो फिर से आप लोग खर्च कर देंगे आप, हमारा नहीं है खर्च कर देंगे, सोचते मजबूर हो जाएंगे। अगले 10 साल मैंने कमाना नहीं है, मेरे को इस ग्रुप का नाम बढ़ाना है, इस कंपनी को पहचान देना, कंपनी की पहचान के लिए काम कर रहे। साथ में अब आज तक मैं आपके ऑफिस में नहीं आता था, इस बार मैं अपने अंबेसडर के दल और बल के साथ, सभी अंबेसडर, कल मैंने बोला था ना कि सब लोग दिल्ली मते के लिए आ गए हैं, दिल्ली में बताया जाएगा, फिर बल यहां से उल्टा आएगा उधर। अब यहां से जो है हम लोग अब अपने जो है कैप्टनों के साथ आपके एक एक ब्रांच में आने वाले हैं, हिंदुस्तान के हर कोने में हर अंबेसडर आएगा, जो भी आज हीरो बने पड़े हैं, जो जीरो हैं फिलहाल, लेकिन जो कंपनी के बारे में बोलते हैं, इनकी कमर, इनको कमर कसने की जरूरत है, आज के बाद इनकी नींद
उड़ने वाली है। आप लोगों को सिखाने के लिए, आपको अम्बेसडर बनाने के लिए मैं आ रहा हूँ आपके शहर में। हर एक शहर में आएंगे, हर एक ऑफिस में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमसे ज्यादा ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हम 6 साल से कर रहे हैं। हजारों लोगों को हमने मार्केट बना दिया, इतना प्रोडक्ट हमारे पास है, इतना वेबसाइट, इतना सर्विसेस है, देश विदेश में हमारा नाम है, पॉलिटिकल पावर भी हम रखते हैं, कौन हमें क्या कर पाएगा। हमारे पास दिमाग भी है, ऐसा भी है। आपके साथ हर एक तरीके से है, ऐसा नहीं है कि वहां बिजनेस के लिए, आप दुनिया के लिए हो सकता है व्यापार हो, लेकिन मेरे लिए आप इंडोनेशिया के एक परिवार हैं। आप कुछ भी हो जाएगा, साधन छोड़ने वाले नहीं है, आगे बढ़ाएंगे, हर एक इंसान को आगे बढ़ाएंगे, हर एक इंसान को। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमने काम किया है, हमने इस बार 15% का डिस्काउंट जो है चैलेंज में किया हुआ, किया है कि किया है, बहुत आसानी से लोग बन रहे हैं और आसान बना देंगे, लेकिन मेहनत से दूर नहीं ले जाएंगे, चोरी करना नहीं सिखाएंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ कैसे आगे बढ़े, कैसे टीमों को आगे बढ़ाएं और कैसे एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म को ये प्लेटफॉर्म समझ के काम करें। याद अक्षय ने हमारे सामने बताया, ऐसे रोहित जी हैं, ऐसे दीपक जी हैं, विष्णु जी हैं, अजय जी बता रहे हैं कि अभी जो मैं 5 साल से इनकम ले रहा था, स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ से इतना इनकम ले रहा हूँ। कई लोगों का लाइव बता, अभी हिमंत है ना हमारे साथ, कहा हिमंत दिल्ली, यस हिमंत ने मुझे कल बताया, सर बोला मैं कुछ कमा नहीं पाता था, आज देखो हिमंत यहाँ पे मार्क्यूज है, 2-3 महीने के अंदर ही उनकी लाइफ चेंज हुआ, 1 लाख रुपए पर महीना कमा रहे हैं उनके साथ, एक कल मार्क्यूज सिवानी बनी है। ऐसे कई लोग हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से बने, लेकिन जो अपने आपको अपग्रेड नहीं करेगा उसको दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने वाले बाहर ढूंढ रहे हैं आपको, वो भी आपको ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन आप रास्ता आपने भी ढूंढना है, और ढूंढने वाले बाहर कहीं कोई महिबाल में खड़ा होगा, कोई कोल्हापुर में खड़ा होगा, कोई वहां ढूंढने वाले खड़े होंगे, लेकिन अगर आप मेहनत करना चाहते हो, ये भी मेरा कमिटमेंट है कि हिंदुस्तान में इससे बेहतर कंपनी, इससे बेहतर प्रोडक्टिविटी, इससे बेहतर सर्विसेज, इतना पास अगर किसी ने दे दिया, 1 करोड़ रुपये वापस ले जाओ, दूसरा अक्षय सर्विसेज, सब कुछ आपको सपोर्ट मिल रहा है, इनकम टाइम पे आ रहा है, सर्विसेज में कितने लोग खुश हैं, जो कंपनी का इनकम है, प्रोडक्ट कितने लोग खुश हैं, कितने लोग कि इनकम टाइम पे आ रहा है, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, जो स्टॉक है टाइम पे आ रहा है, जीपीजी का सब सॉल्यूशन मिल रहा है, सब कितने लोग सेटिस्फाई हैं, हैं ऑलमोस्ट सभी हैं, कितने लोग नहीं हैं, ओके ऑलमोस्ट सेकंड कमीशन ओके। अक्षय जी बोलते हैं कि कमीशन बहुत ज्यादा आता है, इनकम बहुत ज्यादा आता है, जो अब ये लोग तो ये जो अभी हमारे साथ रिसेंटली ज्वाइन हुए उसमें कितने लोग खुश हैं कि हाँ हमें इनकम ज्यादा आ रहा है, पहले के मुकाबले ज्यादा आ रहा है, जो अभी नए नए लोग हमारे इंटरनेशनल आए, ऐसा है, इतने लोग हैं, ओके थैंक यू, यस इसको नोट डाउन करो, ये अगर बोल रहे हैं तो हो सकता है ऐसा, मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे कहना है तो हो सकता है। स्टॉक डिलीवरी टाइमिंग, स्टॉक डिलीवरी टाइम ठीक है, फास्ट है या लेट हो रहा है, फास्ट है, सर्विसेज में आगे हो सकता है। नेक्स्ट रिवॉर्ड्स एंड प्रोग्राम, हम लोग प्रोग्राम करते जा रहे हैं हर जगह पे, कभी हर बार हम कंपनी की तरफ से जो है प्रोग्राम रिवॉर्ड सब कुछ करते हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, रिवॉर्ड्स ऑन रिवॉर्ड्स पे बात करते हैं, रिवॉर्ड्स हो रहे हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पे कई लोग हैं जिनको लैपटॉप मिले होंगे, कई प्रोग्राम के हिस्सा बने होंगे, कई लोग गोवा, कई लोग थाईलैंड, गोवा सॉरी, मतलब रिवॉर्ड्स यहाँ पे भी होते हैं, रिवॉर्ड्स को इतना रिवॉर्ड्स का प्रोग्राम कहीं पर हुआ नहीं। तीसरा, इसके बाद नेक्स्ट 2018 के बाद कोई ऐसी कंपनी दिखाओ जिसने 150 से भी ज्यादा लोगों को इंटरनेशनल टूर दिया हो, लिखो इसे, हमने दिया है, इंडोनेशिया ने दिया है, कौन कौन थाईलैंड जाके आती है, सभी और जो पुराने लोग हैं, इस बार तो मैंने अजय को भी बोला कि आप सभी मार्केट को भेज दो, बोला सर नहीं रुकते हैं, बोला पहले ऐसी भी कंपनी नहीं मिलेगी कि जो पहले थाईलैंड जाओ फिर बिजनेस करना
कार्तिक ऐसे हुआ कि बोला विजिट छोड़ो पहले थाईलैंड चलो तो देखो कि हम किस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। ये नहीं है पैसा इंपोर्टेंट हमारे लिए, और अगले 10 साल फिर बोल रहा हूँ कि आप हम इस ग्रुप के नाम के लिए काम करने वाले हैं, इंटरनेशनल के लिए काम करने वाले, उसको हम एक बहुत बड़ी ग्रुप कंपनी बनाने जा रहे हैं, मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। नेक्स्ट कितने हो गए अभी तक प्रसाद? 5 हो गए। अचीवर्स 5 साल में बिजनेस की बात करने का अचीवर्स भी होने चाहिए भाई। आपके पास इतने अम्बेसडर है, आपके पास इतने मार्क्यूज है जो कमा रहे गाड़ियां। अच्छा भैया गाड़ी किस चीज के पास है? गाड़ियां और भी कई लोग, मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर में हमारे पास 100 से ज्यादा कारें हैं, पूरे इंडिया के अंदर बहुत कार, नागपुर में ही 10 है। आपकी टीम में ही काफी होंगी, सभी के पास, आपके पास टीम में सभी के पास, तो करीब जो अचीवर्स हमारे पास अभी पूरे हिंदुस्तान में, दीपक की टीम में मैक्सिम गाड़ियां हैं, रोहित जी की टीम में ऑलमोस्ट सभी के पास अपनी कारों से लोग आते हैं। अचीवमेंट में आप देख सकते हैं कितने जो सक्सेस रेट हमारा है वो बहुत हाई है, कार अचीवर्स भी हुआ। इससे एक कैलकुलेशन निकलता है कि एक्चुअल में कंपनी क्या है। नेक्स्ट अक्षय आप लोग भी बताओ कुछ अगर आपको लगता है कुछ। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो प्रियंका जी बोल रहे कि जो स्टेप लिया है, ये हिंदुस्तान की पहली कंपनी जिसने महिलाओं को आरक्षण दिया। आजादी की चल रही थी, लेकिन आज खत्म हुई है। 24 में जो बिल पास हुआ है तो प्लीज इसको नोट किया जाए। दिल्ली से ही पास होना है सारा कुछ, मैंने पहले ही बोल दिया सरकार अभी दिल्ली से पास हो गया। अभी ये नागपुर वाली कंपनी, कोल्हापुर वाली कंपनी पास कॉपी मारी होगी, ये सब बिल का जो है वो करेंगे, पहले विरोध करेंगे, पहले विरोध करेंगे कि लड़का लड़की एक समान होते हैं, क्यों आया आरक्षण होना चाहिए, लड़कियां कमजोरी हैं, लेकिन बाद में कहेंगे नहीं हमने भी कर दिया छोड़ो, कोई लड़ाई। तो ऐसे लोगों से बचना है। ओके नेक्स्ट एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं। यस इंडोनेशिया हैव अ मोस्ट एंड डायनामिक क्रिएटिव फाउंडर। जो और किसी कंपनी के पास नहीं है। और ये मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं नहीं, मैं इतना हाइपर उस बात को बोलने के लिए। आई एम डैम श्योर दैट वी हैव अ most confident, most creative founder that ever had any direction in life. Yeah, energetic, confident, creative, इतनी सारी qualities हैं कि मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, लेकिन qualities नहीं कम होने वाली। So ये real है, बिल्कुल fact है, और मैंने खुद पिछले 4.5 साल के अंदर ये चीज absorb की है, देखी है कि हमें जो founder मिले हैं हम बहुत लकी है गाइस, ट्रस्ट मी। अच्छा है, मैं तो कभी नहीं चाहता कस्टमर सपोर्ट आपको सपोर्ट करें। मैं इन चीजें बिलीव ही नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ कि आज हम एआई की पढ़ाई कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ऑटोमेशन की, तो मैं चाहता हूँ कस्टमर फ्री सपोर्ट कर दिया जाए, लेकिन इनको नहीं निकालेंगे, इनकी जॉब रहेगी। बट आपको ऑटो रिप्लाई जाए तो 4 जून के बाद आपके लिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं, आपको 24 आवर सर्विस मिलने वाला है, 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट ओपन रहेगा। इन 10 टॉपिक मैं और भी बता सकता हूँ, बट आप लोग कोई बात बताना चाहता है? अच्छा इंटरनेशनल ब्रांड हम ओके मेरा नाम दादा साहेब जी है मार्क्यूज, मैं 3.5 सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, और सबसे अच्छा मुझे इस इंटरनेशन में लगता है तो फाउंडर मोहित जोशी जी का सपोर्ट, क्योंकि हम सोलापुर में एक प्रॉब्लम के वजह से फंसे थे, और मैंने
हमारे मार्क्यूज सुभाष जी ने कॉल किया था कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और उसका क्या करना, तो मैंने आपसे एक बात सुनी थी कि टेंशन मत लो, मैं वो आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया है वो कुछ दिनों में मैं दबा दबा के करूंगी, ये मुझे कम टाइम हमारे पास है और डिस्कस करते करते रात हो जाएगी और फ्लाइट छूट जाएगी, तो इसलिए जो है कम टाइम है। और सबसे बड़ा जो हम लोग, ये तो हमने अपनी बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं कुछ उन लोगों की जिनको मदद की जरूरत है। तो इस बार मैं अपने बर्थडे पर एक एक ऐसा चेंज अपने लाइफ में करने जा रहा हूँ, अपने बदलाव करने जा रहा हूँ। हम लोग एक ट्रस्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें पहला नाम है हमारी कंपनी का इंटरनेशिया मोही चैरिटेबल ट्रस्ट। तो चार जून को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन लोगों को मदद करेगा जो सच में नीडी है, जिनको सच में जरूरत है। हो सकता है कि वो महाराष्ट्र के लोग हों, हो सकता है कि मध्य प्रदेश के लोग हों, हो सकता है कि महाराष्ट्र से उधर कर्नाटका के लोग हों, हो सकता है रांची के हों, हो सकता है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, जहां पे भी हमारा पॉसिबल होगा किसी जरूरतमंद को हेल्प करने का। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अनाथ हो जाते हैं, मम्मी पापा चले जाते हैं छोटी सी उम्र, उनको सपोर्ट करेंगे। इस बार में 4 जून को 5 ऐसे बच्चों को हेल्प करने जा रहा हूं जिनको मैं हमेशा जिंदगी भर हेल्प करूंगा। तो अब हम लोग उनके एजुकेशन से लेकर जॉब तक पूरी जिम्मेदारी लेंगे और धीरे धीरे करके, आज 5 है, ऐसे 10 होते जाएंगे, 15 होते जाएंगे और धीरे धीरे करके इंडोनेशिया के साथ हजारों लोगों को हम मदद कर पाएंगे। इस विजन के साथ हम इंडोनेशिया मोही चैरिटेबल ट्रस्ट को शुरू करेंगे। दूसरे लोगों के लिए काम करने की प्रेरणा देगा और उन लोगों की हेल्प करने के लिए हमें इंस्पायर करेगा जो लोग सच में जिनको जरूरत है। तो आप लोग भी मिलजुल कर लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सच में हेल्प की जरूरत है, आप हमें रिपोर्ट करें, हम लोग उनकी मदद के लिए जरूर आएंगे। तो हम लोग सभी एम्बेसडर के साथ फिर से आप लोग के ब्रांचों में आ रहे हैं। अजय जी मेरे साथ होंगे, अक्षय जी होंगे, रोहित जी होंगे, दीपक जी, उसने सभी लोग मिलकर अगर ये चाहते हैं लाइफ में कुछ आगे करना और बड़ा करना। अभी अक्षय जी अपना इनकम लिख रहे थे, कुछ इनकम लिख रहे थे रेंडमली 8-10 लाख। कहा भैया इसके करीब तो पहुंच चुके थे, 7 लाख तक कमाए रहे थे पहले, ये 7 भी लिख रहे हो। मैंने कहा इसको एक और लगा इसके आगे 18 लिखो इसको। बहुत आसान है, यहाँ करके दिखाएंगे। इस साल हम इंडोनेशिया के अंदर में ऐसे एम्बेसडर भी तैयार कर रहे हैं, इनमें से मैं आपको एक अपडेट कर रहा हूँ, 2025 का जब जो 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होगा उसमें हम इनमें से आपको 15 लाख कमाने वाला एम्बेसडर भी दिखाएंगे। बताऊंगा जिस दिन आएगा उस दिन दिखाऊंगा कि भैया जो बोला था ये आ गया। अब किसका आया, किसका आना है वो डिसाइड करो, देखो इन्होंने भी कर लिया होगा लेकिन नाम और तारीख जो है वो पता करने की देरी है। ठीक है, तो ये सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आ रहे हैं, आप सबको बढ़ाने के लिए। जो हमारे टीमों में जो गर्ल्स हैं उनको हेल्प करो, जितने आज अभी अच्छा लग रहा था, अभी अच्छे रेशियो में यहाँ पे जो है हमारी गर्ल्स मार्क्यूज बैठी हुई है। अच्छा लगता है जब हम लोग बात हमेशा करते हैं, हर कंपनी बोलती है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, तुमने क्या किया, अब कहेंगे हम भी आरक्षण दे रहे हैं। भैया अरे पहले क्यों नहीं दिए, जब हम दे रहे तो क्यों दे रहे हो, कॉपी कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, उसके पास भी बुराइयां भी कर रहे हो, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि लोग जब कमा के जाते हैं। देखो 2 पॉइंट है, लोग आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि बोला सर लोग जाते हैं गालियां देते हैं, अरे भैया ये बताओ किसी इंसान के लिए आपने बुरा किया, आपने किसी इंसान के, नॉर्मली मैं हूँ, मेरे फैमिली में मेरे माँ बाप हैं, ठीक है, मैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, सुबह जाता हूँ उनके हाथ पांव दबा रहा हूँ, खाना खिला रहा हूँ, चाय पिला रहा हूँ, नाश्ता करा, दिन में लंच करा रहा हूँ, ठीक है,
शाम को भी हेल्प करता हूँ, सुबह से शाम तक आपको क्या कर रहे हैं, उनका काम है गाली देना, हो सकता हो तुम्हें परेशान, कुछ नहीं बोल रहे हो। तो मैं यार क्यों बोलते हैं पता नहीं, मैं तो कर ही रहा हूँ हेल्प। ऐसा होता नहीं कि बुढ़ापे में किसका दिमाग सुधर जाता है। देखा आपने गाँव में हो, उनकी वाइफ, उनके बहू, उनके बेटे कितने भी काम करेंगे लेकिन सुबह शाम क्या करते हैं, देते हैं। देखा हमने ऐसे कई लोग होते हैं, देखो कई लोग खुश हो रहे हैं कि कहीं कहीं की बात क्लिक होगी, ऐसा होता है। लेकिन अब जो बच्चे होते हैं वो खुशी मिलती है, कोई बात नहीं, दे भी रहे हम तो इनके लिए कर ही रहे हैं ना, हम तो हमें तो खुशी मिल रही है ना। देखो हमने तो करा, हम तो अपने पिताजी के लिए करें, माँ के लिए, हम तो छोड़े नहीं है ना, अकेले भी वृद्धा आश्रम थोड़ी छोड़ा, तो खिला रहे, कपड़े ला रहे, खिला रहे, सब कुछ कर रहे, उनको खुशी मिलती है। तब उन बच्चों को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उस गाली का। सेम आज जितने भी लोग हंसे गए, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं जितने लोगों ने इंडोनेशिया को यहां से छोड़ के जो भागे हुए हैं, गलत बोल के जो भागे हुए हैं, मार्केट में बोलते ना कि इंडोनेशिया से जो कमाया उसका तो आधा भी कमा रहा है क्या, आधे लोग मार्केट से रन आउट हो चुके हैं, घर बैठ चुके हैं, खेती कर रहे हैं जो यहां से छोड़ के गए। और जो ये अभी लाइव आ के बोल रहे हैं ना, 3 महीने के लिए लो, 3 महीने के बाद बोलोगे कि सर कर रहे, हो सकता है खाली बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, मार्केट में नजर नहीं आएंगे, आएंगे ही क्योंकि इंटरनेशनल है। इन लोगों को वो चीज दिया जो कभी सोच नहीं सकते थे, किसी भी की मैं बात कर रहा हूं। और जो बने हैं आज बोलने लायक हमारे सामने, हमें सुना रहे हैं, जो गाड़ी घर बंगला जो मिला है इस कंपनी ने दिया, और यहीं पे जो है जाके गुड़गांव जाते थे आज उसी की बुराई कर रहे हैं। इससे हमारी कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे खुशी है कि 2 साल के अंदर में उन लोगों ने, हो सकता है कि 50-50 एक एक करोड़ रुपया भी इस कंपनी से कमाया हो, ये मेरी सक्सेस है, ये मैंने उनके लिए किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल के दिन आप क्या कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनेशनल होने के बाद आपने क्या किया वो मेरे लिए इंपोर्टेंट है। आज हेमंत ने बोला, हेमंत का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हेमंत ने बोला कि सर 4 महीने 5 महीने में मैंने खुद इतना अर्निंग कर लिया, मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, आज मैं डाउनलाइन मार्केट बन गई, सब कुछ। कल के दिन हेमंत मेरे बारे में क्या बोलता है उसका मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन आज मैंने हेमंत को जिस उम्मीद के साथ वो आया था ना, वो करके उसको दिखा दिया, वो कंपनी ने वो उसका ड्रीम फुलफिल कर दिया, बाद में क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कस्टमर, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे ब्रिज हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनके लिए टाइम बनाना होता है, अपनी बात रखनी होती है मीडिया के सामने, जब हो जाता है ना भैया इस एजेंडे पे आप अपनी टिप्पणी रखो। तो इसलिए मोदी जी साहब सुबह सुबह क्या करते, बोला जी आओ जी प्रेस वालों, बोला जी राहुल गांधी ने बोल दिया अडानी अंबानी कुछ नहीं है जी, इधर आओ पूछो क्वेश्चन। तो एक बात रखनी होती है, अपना तथ्य रखना होता है उस चीज पर, इसलिए हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बातों को अपनी टीमों तक पहुँचाते हैं। बाकी ये लोग कहीं पर भी कंपनी के कंपेरिजन ये बात करने लायक लोग नहीं, कंपनी के यहाँ इस स्टेज पे इनका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा, कई ऐसे लोग। तो आप अपने आप को अपग्रेड करो, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आप हमने हर मंथ एम्बेसडर मीटिंग का जो है प्रोग्राम सेट किया हुआ, हर मंथ में एम्बेसडर की मीटिंग करने वाले हैं, आप सबसे मिलने के लिए आने वाले हैं। जल्दी से अपने आपको अपग्रेड करो, आप जो एम्बेसडर की मीटिंग है वो केवल दिल्ली बम्बई कलकत्ता में नहीं होने वाली, अगली मीटिंग हो सकती है कि गोवा हो जाए, अगली मीटिंग हो जाए बॉम्बे हो जाए, उसके बाद उसे सीधे दुबई। इसलिए मंथ आपने देखा होगा कि मार्च के मंथ में मेरा इतना दिक्कत हो गया मेरा हेल्थ पे, मैं जब रशिया में था वहां पे टेम्परेचर था -15, वहां से सीधे आया, बोला जी टूर है जी, बोला थाईलैंड का, उनका अच्छा सूरज जी लोगों ने पूरा टूर अरेंज किया था, बोला वैकेंट टीम ने, बोला जी -15 से आए सीधे 40 डिग्री में पहुंचा दिया, वहां गर्मी लगी, वहां दिक्कत आ गई। वहां से आया इंडिया वापस, 2 दिन हुआ फैमिली वाले, और खुद ही घूमेगा हमें भी घुमाएगा, अरे यार चलो भैया दुबई चलो। तो मतलब सबको तो एक मतलब 3-4 कंट्री जाना पड़ता है। तो हम चाहते कि ऐसी लाइफ स्टाइल हम आपकी बनाए, और आज भी मैं ये आपके साथ रिकमेंड कर रहा हूँ। अक्षय ने टारगेट बनाया है कि 2 करोड़ का, अभी मैं देखा, मैंने चुपचाप देख लिया हो, 2 करोड़ का फ्लैट जो है लेना है बॉम्बे में। बॉम्बे में कहा लिखा था, बॉम्बे नहीं नहीं वो एक लिखा था, दूसरा बॉम्बे है उसमें, सेकंड बॉम्बे। अब मैं उस दिन वो मैं फ्लैट लूंगा जिस दिन अक्षय की फ्लैट लेंगे। मैं
मेरा भी सपना है बॉम्बे में घर बनाने का, मैं आज ले सकता हूँ, मैं नहीं लूंगा। जब अक्षय जी लगे बोलो अक्षय जी कहा गए, फिर मैं भी, दोनों भाई एक साथ सकल हूँ गए बॉम्बे में। दो साल के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, इसकी पूरी जो है जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अक्षय जी आपका ये सपना भी मैं फुलफिल करने में आपकी पूरी मदद करूंगा, और अजय जी का भी जो सपना है, जितने भी एम्बेसडर का है, थोड़ा सा मेरा जो काम करने का तरीका है कुछ लोगों के साथ नहीं बन पा रहा, मैं आज स्टेज से खुल के बोल रहा हूँ सब मार्केट से, जैसे मैं लेस लगा रहा हूँ तो अगर आप ऐसे लगाओगे बहुत आगे चले जाएंगे। ये जो जब हमारे जो पहले होता था ना, जब युद्ध होता था वहां से आती थी सेना अकबर की, वहां से होते महाराणा प्रताप, तो सिपाही कितने तो राजा को कुचल देते थे, राजा जी अकबर के मार देते थे। हमारे जिस अब जो किंग है जो मतलब ऑफिस को चलाने वाला वही दौड़ रहा, सिपाही बैठे पड़े घर में, बोला जी तबीयत खराब है जी। अरे भैया हमारे लिए तो दौड़ रहे, सिपाही है नहीं ग्राउंड में, कैप्टन कहाँ दौड़ेगा, वो क्या कर पाएगा। वही अभी अजय ने भी बोला, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा नहीं चाहता, जो अभ्यास मेरे साथ खड़ा रहेगा उसको इतना दौड़ा दूंगा और वो तो दुबई तक कदम दौड़ जाए। तो इतना और इतना पैसा हो करेंगे ट्राई, और बहुत ही जबरदस्त आपके साथ मैं दोबारा मिलने के लिए आपके हर शहर में आ रहा हूँ, अपने एम्बेसडर के साथ मिलके ऐसी कॉमेडी करते रहेंगे, और आपके बिजनेस में पूरा आपके शहर में मिलते हैं जल्दी आपके ही शहर में।